24 घंटे के लिए मैं बनने वाली हूँ एक बेगर। हाँ, मैं मांग कर खाना खाऊंगी, अपने लिए काम ढूंढूंगी और अपने लिए सोने की जगह भी ढूंढूंगी। अब देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है मुझे देखकर। ये देखिएगा इस जुगाड़, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और अभी से ही मुझे लोग इतना देखना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं तो नहीं कोई मैं अलग इंसान हूँ, कोई अलग चीज हूँ, जबकि मैंने अपना लुक इतना भी नहीं बदला है, फिर भी मैं इतनी अलग दिख रही हूँ सब लोगों को। हर कोई जब आ रहा जा रहा है तो बस ऐसे देख कर जा रहा है एक बार। ओ भाई ये क्या है, चिटकी चिटकी। इस वीडियो में मैं किसी भी इंसान और किसी भी इंसान के इमोशंस का मजाक नहीं बना रही, मैं बस ये देखने के लिए निकली हूँ कि लोग मुझे ऐसा देखकर क्या रिएक्ट करते हैं और लोग नॉर्मल लोगों की हेल्प करते भी हैं या नहीं। भैया आप हमको आइसक्रीम खिला सकते हैं क्या फ्री में, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तो बोल, पैसे मांग रहा, दे दो, मैं दे दो। भैया आप प्लीज खिला दो, आप खिलाओगे मुझे आइसक्रीम, हमारे पास पैसा नहीं है ना। पैसे को नहीं है, हम गलती से यहाँ छूट गए थे, हमारे मम्मी पापा पता नहीं कहाँ है, हमें छोड़कर चले गए। बताओ बस करवा दूं मैं? बस नहीं, आइसक्रीम मांगने आई हूँ मैं। एक दो तीन चार, हमें नहीं देना चाहते भैया, ठीक है ऐसे चलते थे। अंकल अंकल 2 रुपए है आपके पास? हम नहीं देंगे, भूल जाओ। हमें दे दीजिए 2 रुपए। अंकल अंकल हमें आप थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? अभी नहीं। तो यहाँ पर कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मैं जिसके पास भी जा रही हूँ लोग मुझे मना कर रहे हैं या तो बहुत ही गंदी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद मेरे इस लुक को देखकर, और लोग मुझे देखते हुए जरूर जा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों हम मोदी जी के पास आए हैं, पीएम जी हमें घर दिला दो ना, हम रोड पे रह रहे हैं, हमारे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, वो भी बोल सकते हैं, सब झूठ बोलो। और यहाँ मैं लोगों को दिखाने के लिए बस स्टैंड की सीट पे जाके सो गई कि कोई मुझे उठाता भी है या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से किसी ने भी नहीं उठाया। मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और अभी मुझे देखते मुझे कोई पैसे वैसे या कुछ देता या नहीं देता। यहाँ पे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। भैया कुछ खाने को दे दो, भैया अंकल कुछ खाने को दे दो। और आज मैंने देखा कि लोग अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने बिजी है कि किसी का किसी पे ध्यान नहीं जाता और किसी को कोई नोटिस नहीं करता। कुछ खाने के लिए दे दो, पैसे दे दो 2 रुपए। दीदी 5 रुपए दे दो खाने के लिए। यहीं से नहीं नहीं है, आप दे दो, मुझे भूख लगी है। चेंज नहीं है। भैया कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या, फ्री में कुछ मिल जाएगा? भूख लग रही है भैया, कुछ खिला दो। भूख लगा हुआ है। आपके पास तो ये सब है, हमें खिला दो प्लीज। चाय नहीं पिला सकते आप? चाय है, चाय। यहाँ पर अंकल मुझे चाय देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर बैठो बेटा और ये लो बिस्किट भी खाओ, और इस टाइम तो मुझे बहुत खुशी हुई। भैया कितने की चाय दी है आपने ये मुझे? नहीं आप बताओ तो। 7 रुपए का। अच्छा थैंक यू अंकल, आपने मुझे फ्री में दे दिया, मुझे कोई खाने के लिए नहीं दे रहा था यहाँ पे। तो ये जो अंकल थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, इन्होंने मुझे फ्री में चाय पिलाई और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत देर से मैं मेहनत कर रही थी कोई खिला दे कोई खिला दे, किसी ने नहीं खिलाया, तो मैं उनको कुछ पैसे देने जा रही हूँ। कल आप सब ने मुझे फ्री में चाय पिलाई ना, उसके लिए आप ये रखो। वो पैसे हम अपने जेब में लिए हैं। ये नहीं नहीं आ नहीं नहीं बिल्कुल पैसा नहीं लेना है। पैसे दिए वो ले नहीं रहे थे, वो भैया कह रहे थे कि आप फिर से आना, और उन्होंने मुझे फ्री में ही दिया, वो नहीं ले रहे थे मेरे से पैसे, लेकिन फिर भी मैंने उनको दे दिया। तो चलो अब देखते हैं कि कोई मुझे इस हालत में कोई भी जॉब देता है या नहीं, कोई काम मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपना काम मांगने के लिए और यहाँ पर मुझे सामने ही एक थैली दिख रही है किसी फ्रूट्स की, तो मैं उनके पास जाकर काम मांगती हूँ। चलो और देखते हैं काम देते हैं या नहीं वो मुझे करने के लिए, कि मेरा पेट खाली है, पेट भरने के लिए मुझे इतना तो करना पड़ेगा। चलो अंकल आपके पास हमको कोई काम मिल सकता है क्या करने के लिए, जूस बनाने का या फिर कुछ साफ करने का? हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पैसा कमाना है। तो रेडी जरा चला के देखा, वो ये चला कर दिखाऊं? हमें कोई भी काम चलेगा, हमको बस पैसा चाहिए, थैली चलानी पड़ेगी। हाँ चले चले, ठीक है मैं चला कर दिखाती हूँ आपको थैली कैसे चलाऊं। तुम्हें कुछ चलाया मिलेगा क्या? नहीं नहीं मैं चला लूंगी, थोड़ा आगे बढ़ाओ, उठाओ मत उठाओ मत उठाओ मत, गिर जाएगा, नहीं चल पा रहा। तुम्हारे बस की नहीं काम करना, नहीं चल रहा तुम पे। अंकल मैं जूस बना लूं? अरे नहीं बनेगा जूस, तुम पे नहीं हो, तुम पे नहीं चलाएगा, तुम जाइए, आप पे नहीं चलेगा, ये तो होगा नहीं चल पाएगा।
आपकी बस की बात नहीं है, चला लो। हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पैसे कमाने थे। अभी मुझे जॉब मिली है ये बलून्स को बेचने की, और चलो हम इसको बेचते हैं यहाँ पूरी जगह पर। और ये बलून कितने प्यारे लग रहे हैं यार, बिल्कुल मेरी तरह। दीदी बलून ले लो, दीदी भैया बलून ले लो, दीदी बलून ले लो, फोटो खींचना प्लीज आप ले लो, प्लीज। यहाँ पे इन दोनों को लग रहा था कि मैं सच में बलून बेचती हूँ और मेरी कोई फोटो क्लिक कर रहा है, तो इन्होंने कहा पहले फोटो क्लिक करवाओ। यहाँ मुझे मिले मेरे सैम स्क्वाड। बलून ले लो, बलून। चलो अभी मैं देखती हूँ क्रोमा में मेरी एंट्री हो भी पाती है या नहीं। गाइस चलो अंदर पूछते हैं जाके। मैं अंदर जा सकती हूँ? जा सकती हो, बट इसको लेकर नहीं। इसको लेकर नहीं, मुझे अपने फोन का चार्जर लेना है। हाँ तो जा सकते हो। अच्छा फिर ये कहाँ रखूँ? ये ले जा सकते हैं अंदर, इधर कोने में खड़ा करो। यहाँ कोने में खड़ा करो, ये इधर हम सेल कर देंगे खड़े खड़े। नहीं नहीं मैं बेच लूंगी। यहाँ मुझे एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन लोग अंदर घुसते ही मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे साक्षात यहाँ इंसान नहीं कोई एलियन आया है। मुंह पे मारती भी जा रही है यार, यार ये कितना मोटा कुत्ता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। भैया जोड़ी सलामत रहेगी। मैं तो बैलून बेचते हुए कभी नहीं देखा, मैं तो देख रहा था कोठियों में खेल रही थी। अच्छा हाँ, वो भी बच्चों के साथ में। भैया बलून ले लो, दीदी के लिए ले लो, भैया दीदी के लिए, दीदी के लिए ले लो ना। चार साल से सिंगल हूँ दीदी, दीदी कभी था क्या। भैया लो बलून ले लो, बलून ले लो। कितने का बेचा आपने ये? 10 रुपया। 10 रुपए का। अंकल मैं जा सकती हूँ अंदर? अरे क्यों नहीं जा सकती, बैलून मेरे को देना पड़ेगा। कितना लगेगा अंदर पैसा? मेरे पास तो 100 रुपए है। नहीं बेटा 100 रुपए में नहीं होगा। 100 रुपए में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फ्री में नहीं मिल जाएगा कुछ? ना फ्री नहीं, कुछ नहीं देते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकती? जा सकती है, बनाए थोड़ी कर रहा हूँ। खाना पीना है या ऐसे देखना है? खाना पीना है। क्या खाओगे? कुछ भी। 100 रुपए में तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये कॉफी भी 500 रुपए की है। मेरे पास तो नहीं है। तो वो जो अंकल थे वो बहुत ही स्वीट थे, उन्होंने कहा कि हाँ जा सकती हो, लेकिन ना थोड़ा सा महंगा होगा। और लेकिन उनके साथ वाले जो थे ना वो मुंह बना रहे थे इधर से ऐसे से। नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया था ये, और मुझे पता चल गया कि उन्होंने बोला कि एंट्री हो सकती है लेकिन पैसे तो लगेंगे। और अब मैं आ गई बर्गर किंग लोगों का रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी लोग मुझे इस तरह से देख रहे जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ, और सोच रहे थे कि इस हालत में खाना खाने के लिए कैसे आ गई। तो अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और पुलिस सबको भगा रही है कि सब घर जाए, मतलब कि सबको भेज रही है, और साथ ही साथ मुझे भी बोला कि अब घर जाने का टाइम हो गया है। और मुझे लगता है कि आज का जो पूरा दिन मैंने ये बिताया बहुत ही टफ था ये, मैंने तो इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की और कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं दूसरे लोगों को सोच रही हूँ तो मुझे बहुत ही हो रहा है कि यार कितना ज्यादा उनकी लाइफ टफ है, कितना मुश्किल होती होगी उनको पूरे दिन सब कुछ बेचना है ना, उनके पास खाने के लिए है और कोई इग्नोर करके जा रहे हैं लोग, कुछ पैसे नहीं दे रहा कोई भी। लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगी आज के अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि प्लीज आप लोग भी किसी ना किसी की जो भी आपके पास अगर आ रहा है हेल्प मांगने, आप उसकी हेल्प जरूर करो। तो बस यही पे खत्म होती है मेरी वीडियो, और अगर आपको भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो गाइस इस वीडियो के लिए आप लोग प्लीज एक रेड हार्ट तो कमेंट कर ही सकते हो, तो बस जल्दी से कमेंट कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको आईडी दिख रही होगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।